नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर में आज भाजपा के मंजिला 5 मंजिला हाईटेक कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने उद्घाटन से पहले निरीक्षण किया। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ता आते हैं और संस्कार लेकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हमेशा हम लोग कहते हैं कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष। इसके आधार पर कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है। कार्यालय में जब कार्यकर्ता आते हैं तो संस्कार लेकर जाते हैं, अनुशासन की प्रक्रिया होती है जिसके कारण कार्यकर्ता को बल मिलता है और काम करता है अपनी विचारधारा का। कार्यालय का भव्य उद्घाटन होने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने वाले हैं और राज्य के अंदर कल 8 कार्यालयों का होगा और हर कार्यालय स्तर पर 8 केंद्रों पर कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री सुनील जी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसे हर स्थानों पर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय नारायण गोयल ने मथुरा में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि के साथ साथ आगरा की नगीना मस्जिद की खुदाई का मामला बेहद ज्वलंत मुद्दा है जिसके लिए हिंदू सड़क पर उतरने को मजबूर है। वही इस प्रेस वार्ता के दौरान धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ, श्रीजी सेवा संस्थान के रमाकांत गोस्वामी और वृंदावन आचार्य श्री मृदुल शर्मा कांत शास्त्री भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। संघ सदैव से माननीय श्री सौरभ गौर जी आचार्य भद्रीषि के नेतृत्व में धर्म से जुड़े हुए जो विषय हैं उन पर विवाद को निपटारा करके एक समाधान के लिए सदैव से तत्पर रहा है। उसी कड़ी में धर्म रक्षा संघ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान की लड़ाई लड़ ही रहा था, लेकिन आज उसको बृहद रूप देने के लिए, व्यापक रूप देने के लिए और उसको जन आंदोलन बनाकर जन जन से जोड़ने के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान मुक्ति अभियान का प्रारंभ किया गया है जो कि धर्म रक्षा संघ के बैनर तले रहेगा, श्री भाई साहब सौरभ गौर जी आचार्य भद्री जी के नेतृत्व में ही रहेगा। आपने मुझे जो दायित्व प्रदान किया है राष्ट्रीय संयोजक के रूप में, मैं उसे प्राप्त करके अनुग्रहित अपने को अनुभव कर रहा हूँ। आज मुस्लिम पक्ष के लोग मेरे देश का, मेरी भारत माता का पूरे विश्व में अपमान करने की साजिश रच रहे हैं, उसको लेकर के हम सब ने यहाँ पर सर्वसम्मति से उनको कहा है कि आप जो आज पूरे विश्व में विश्वमन करके निपुर को लेकर के हमारे अपमान कर रहे हैं उसके ऊपर चिंतन करो, विचार करो। निपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा है वो आपके कुरान में लिखा हुआ है, वो आपके हदीब में लिखा हुआ है, उन्होंने अपने पल्ले से एक डंडा भी नहीं किया। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके में बने शराब के ठेके पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। आपको बता दें कि एक युवक शराब के ठेके पर शराब लेने के लिए गया था, उसी दौरान दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। वह इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंचे पुलिस ने मौजूद लोगों से घटना की जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने किसी भी तरह की घटना होने से साफ इनकार कर दिया, जबकि पूरी वारदात ठेके के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में अब जुटी हुई है। ये लड़ाई झगड़े का केस है, टप्पल में ही शराब के दुकान के आसपास लड़ाई हुई है जिसमें धारदार हथियार से उसको हमला किया गया है। छाती दोनों तरफ जो है काफ़ी कटी हुई है जिसका हमने मेडिको लीगल बना दिया है और पुलिस आ गई उसके साथ। कानपुर में बीते शुक्रवार को हिंसा के बाद कई इलाकों में तनाव का माहौल है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं आपको बता दें कि आरएलएफ और पीएसी के जवान भारी तादाद में तैनात है। जुम्मे की नमाज को लेकर कानपुर के कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने भारी संख्या में फोर्स के साथ परेड चौराहे से लेकर यतीम खाना होते हुए फ्लैग मार्च किया और जनता से अपील की कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं होने पाए और शहर में अमन चैन बरामद रहे।
जो पीस कमेटी के सदस्य हैं, जो धर्मगुरु हैं, उन सबके साथ जिलाधिकारी और मैंने मीटिंग करी और उस मीटिंग में सभी ने आश्वस्त किया है कि पूरे शहर के अंदर अमन चैन कायम रहेगा। सभी लोग उन्होंने अपने वॉलंटियर्स बनाए हैं और अपने अपने एरिया में ड्यूटी देंगे और किसी प्रकार की घटना घटित होने से या भीड़ इकट्ठी करने से रोकेंगे। सभी ने सहयोग का वादा किया है और पुलिस मुस्तैद है, पुलिस की ड्यूटी हमने लगाई है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी ग्राउंड पर हैं और जगह जगह पर पिकेट्स और हमारी PRV गाड़ियाँ लगाई हैं और हम लोग अभी रूट मार्च कर रहे हैं ताकि जनता में एक संदेश दिया जा सके। हरदोई में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां युवती अपने घर में सो रही थी। इस दौरान गांव के दो आरोपी युवती को घर से उठाकर बाहर ले गए और दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला है, एक व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी बेटी जिसकी उम्र लगभग 16 साल है रात को सोई हुई थी और उसको गांव के दो लोगों ने ले जाकर उसके साथ बुरा काम किया है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीत किया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। यहाँ यह भी बताना उल्लेखनीय है कि जो पीड़िता है उसका भाई जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है उनके बेटी के बलात्कार के मामले में पिछले 11 महीने से जेल में बंद है और जो दूसरा व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है वह उस मामले में गवाह है। पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है, जो भी साक्ष्य आएंगे उस कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल को देखते हुए पूरे प्रदेश में सावधानी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में गाजियाबाद में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर SSP मुनिराज ने बताया कि पूरे जिले को 5 जोन में बांटा गया है, जिसकी अगुवाई एक एडिशनल SP करेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आगे SSP गाजियाबाद ने साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार से अफवाह फैलाने या गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ बेहद कड़ाई से निपटा जाएगा। इस दौरान SSP ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। जनपद गाजियाबाद का टोटली 5 जोन्स में बांट के हम लोग पूरा निगरानी रख रहे हैं और जनपद में येलो स्कीम लॉन्च कर दिया आज से। हम लोग आज से कल 24 घंटे तक येलो स्कीम रखेगी, इस पर सभी पुलिस फील्ड पर रहेंगे, खासतौर से सीनियर ऑफिसर से नीचे कांस्टेबल तक सभी लोग रोड पर रहेंगे, लगातार ग्राउंड में रहेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे और हमारा सभी जोन के प्रभारी एडिशनल SP रहेंगे, उनके नीचे 8 सेक्टर्स बनी और सेक्टर का प्रभारी CO साहिबान रहेंगे और उनके नीचे लोकल SHO अपना छत्र में रहेंगे। खासतौर से मिश्रित तबादले में हमारा टीम लगातार फुट मार्च और फुट पेट्रोलिंग वगैरह सब करते रहेंगे और साथ साथ लगातार ड्रोन के माध्यम से भी। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में 3 चोर ATM को काटकर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से गैस कटर, लोहा काटने के कई उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यूट्यूब से देखकर वो इस चोरी का अंजाम देने आए थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुरादाबाद पुलिस द्वारा नाइट चेकिंग की जाती है, कल ही की जा रही थी तो खुशहालपुर क्षेत्र में जो कि थाना मझोला में ATM का ATM है उसके सामने एक व्यक्ति संदिग्ध के सामने खड़ा था। पूछताछ करने पर और गहराई से जांच करने पर यह पता चला कि दो व्यक्ति जो अंदर थे, ये आदमी बाहर रेकी कर रहा था और अंदर दो व्यक्ति जिन्होंने CCTV कैमरे पर स्प्रे लगा रखा था और ATM काट के ये पैसे चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। इन लोगों को थाने ले आया गया है और इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक विधि कार्यवाहियाँ की जा रही है। अभी इनके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। सर क्या क्या चीज़ें, ये सभी 21 साल के हैं और इन्होंने ये बताया है कि यूट्यूब से देखें। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक मजदूर घायल हो गया, जिसकी जानकारी के अनुसार घायल युवक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं जब मजदूरों से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के अंदर कोई भी फायर सिस्टम के इंतजाम नहीं है। घटना ये हो रही है कि 3 बजे की घटना थी, यहाँ पर ये लोग कुछ लोग जो है टी टाइम का टाइम था, यहाँ पर ये अचानक जो है हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस जो है इंडक्शन फर्नेस ब्लास्ट हुई, उसमें एक आदमी को काफ़ी कैजुअलिटी, 40% वो जल गया
और इसमें एक चीज़ है कि कहीं भी कोई रख रखाव चीज़ नहीं, कोई सेफ्टी के नाम पर ऐसी चीज़ है। इससे पहले भी घटना घटी है, 6 सितंबर 2017 को एक घटना घटी थी, जो लड़का ऑन द स्पॉट पर ही ख़त्म हो गया था। उस समय 3 आदमी जले थे, पर एक आदमी जो है सफदरजंग हॉस्पिटल में मर गया था। अच्छा। मैं ऑलरेडी इसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, फाउंड्री डिपार्टमेंट है ये हमारा, यहाँ पर ढलाई का काम होता है। आज कितने लोग घायल हुए? आज घायल खाली एक आदमी हुआ है, जिसमें जो है जो व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में है एडमिट है। क्योंकि वो टी टाइम था ना, वो जिसका जो काम था, जैसे अलग अलग सेक्शन पर अलग अलग काम होता है, तो टी टाइम था, तो वो लोग काफ़ी लोग चाय पीने गए थे। तो ये जो पीड़ित है उसको किस कोई आर्थिक मदद दी जाएगी आपकी तरफ? बिल्कुल दी जाएगी, जो भी उसको मदद की जरूरत है वो 100% मदद दी जाएगी। सब चाहिए परिवार की तरफ से कोई लोग आए हैं? नहीं अभी कोई नहीं जी, अभी वो सब पता करेंगे, अभी जस्ट हुआ है जैसे भी है। परिजनों को सूचित कर दिया गया? परिजनों को अभी सूचित नहीं, अभी तो जिसके पास काम करना ना उसको बोल दिया है, अभी हो जाएगा सब। ठेकेदारी पर था मतलब? ये ठेके पे काम, हाँ जी, उसके पास कॉन्ट्रैक्टर के पास था हेल्पर, मैं अभी 2-3 दिन। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके में अलीगढ़ पलवल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान 2 बाइक सवार युवक अपनी बहन से मिलने उसके घर जा रहे थे, तभी उस दौरान बाइक चला रहे युवक ने बाइक पर अपना नियंत्रण खो दिया और बाइक सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद पुलिस द्वारा दोनों युवकों को गंभीर हालत में CHC टप्पल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में M108 एम्बुलेंस लेकर आई, पेशेंट जिसका एक्सीडेंट हो गया था हामिदपुर कट है, वहाँ पे वो हिस्ट्री है इसकी, बाइक से स्केट कर गया है, जिसके कारण उसको काफ़ी सारी सिर में चोट है, लैसरेशन है, ह्यूज लैसरेशन है, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, उसको कंप्रेस बैंडेज करके प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है और घर वालों को बता दिया है कंडीशन के, और यहाँ से मरीज को। मैनपुरी में शासन द्वारा चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान में सर्विलांस टीम के प्रभारी जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में भैंस टोली चौराहा पर वांछित चल रहे अपराधियों को चेकिंग के दौरान पुलिस की मुठभेड़ हो गई। साथ ही आपको बताते चले कि ये सभी अंतर जनपदीय लुटेरे बताए जा रहे हैं। इस दौरान चारों ही बदमाश फरुखाबाद से भोगांव की तरफ जा रहे थे, तभी पुलिस को देखकर बदमाशों ने भागते हुए फायरिंग की, जबकि पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तारी करने वाली टीम को 15,000 का इनाम दिया गया। सर्विलांस टीम और भोगांव पुलिस द्वारा 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। ये बेसिकली फरुखाबाद जनपद के रहने वाले हैं। इनके द्वारा मैनपुरी में 2 जगहों पर लूट की घटना कारित की गई। इसके अलावा इनके द्वारा फरुखाबाद में भी 4 लूटे किया गया। विभिन्न जनपदों में 2 वर्षों के अंतर्गत इन्होंने काफ़ी लूटे किया है। इस संबंध में बाकी जगह भी छानबीन की जा रही है और इनके कब्जे से 3 बाइक बरामद हुई है। इन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल से भी लूट किया, वो भी बरामद हुआ है, अन्य गाड़ियां भी बरामद हुई हैं और चारों के पास से तमंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।